एक्सेप्ट टू करने तरीका तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्या करना है क्वेश्चन में कि 3x की पावर 4 + 6x की पावर 3 - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यांक √5/3 और −√5/3 है। मतलब ये पॉलिनोमियल दे दिया इन्होंने आपको 3x की पावर 4 6x की पावर 6x³ - 2x² - 2x और -5 √5/3 एंड √5/3। क्या निकालना है इसके अदर टू रूट्स निकालने, इसके चार रूट हो गए क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर चार है। पॉलिनोमियल में जितनी भी सबसे बड़ी पावर होती है जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसकी जीरोज होती है। तो इसके दो जीरो तो दे दी, दो हमने और निकाल लिया। कैसे निकाल लोगे, ये आपने अल्फा मान लिया या आपने बीटा मान लिया, आपके पास फॉर्मूला होता है x + α और x + β। तो x + α और x + β यहाँ पे माइनस क्यों आया क्योंकि माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसमें आपने आगे क्या किया, a + b और a - b = a² - b² वाला फॉर्मूला लगा लिया, ए मान के बी मान के, तो a² - b² तो जब आप √5/3 का स्क्वायर करोगे तो इसके ऊपर से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, ये बच जाएगा। इसके अपॉन में आपने यहाँ पर 1 मान के निकाल एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ जाएगा इसका 3, तो 3 × x² में हो जाएगी 3, जीरो मार के पूरा ये बन जाएगा। इधर आपके पास क्या बचेगा, 3x² - 5। अब आपने क्या करना है, 3x² - 5 से जो आपका दिया हुआ बहुपद है उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करना मैंने आपको कल सिखाया था, तो 3x² को 3x की पावर 4 बनाना है, तो x² से मल्टीप्लाई, तो 3x² में x² की मल्टीप्लाई, तो 3x² पाई की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन चेंज कैंसिल आउट, ये उतार लिया यहाँ पे बच जाएगी प्लस के 3x², ऊपर से आपने माइनस के 10x उतार लिया। 6x³ बनाना है 3x² को, तो 2x से मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दिया जाएगा, फिर 5 की मल्टीप्लाई भी 2x में करनी पड़ेगी, तो 5 × 2 = 10 साइन चेंज हो जाएगी, यानी कि ये कैंसिल आउट, ऊपर से उतार लिया और ऊपर से माइनस के 5 उतार लिया। किससे गुणा होगी किया जाए, 1 से गुणा होगी, तो 1 से गुणा करके आ जाएगा आपके पास ये जो आया। आगे फिर आपने इसके फैक्टर करने हैं, तो जब आपने आगे इसके फैक्टर करने हैं तो इसके फैक्टर करने के लिए इसमें आपने क्या किया, एक कैसे फैक्टर करने जिनको जोड़ के 2 आ जाए, एक एक फैक्टर है आगे आपने इसे गुणा कर लिए। और आपके पास इसके बाद क्या स्टूडेंट, जैसे ही आप माइनस को, जैसे आप वन को इधर को लेकर आओगे माइनस को जाएगा दोनों, तो इसके अदर टू फैक्टर -1 और -1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4th, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 बचे तो जी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया स्टूडेंट आपको इसमें पी एक्स, ये पॉलिनोमियल दिया है जी एक्स, आपने इसमें निकालना क्यू टेंट x - 2 दे रखा और रिमाइंडर ये है। आपके पास क्या था, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था कि px = gx + q tan + remainder, उठा के सारे वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दी। जैसे ही आप इसको इधर लेगा होगा इधर, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये प्लस का और ये वाला माइनस का, इसको सोल्व करके आपके पास ये आ जाएगी जी एक्स निकालने के लिए x - 2 इसके अपॉन में आ जाएगा। अपॉन का मतलब आपने अब क्या करना है, x - 2 से इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड जैसे आपने किया तो आपके पास ये आ गया, यही आपका जी एक्स है। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज आपकी 2.3 टेंथ क्लास की, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3rd, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो स्टूडेंट अगर आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।